तो आज मैंने फ्रिज खोला और ये क्या, मैंने क्या देखा कि मेरे घर पे कोई सब्जी ही नहीं बची थी, सिर्फ और सिर्फ तुरई के अलावा। लेकिन तुरई का नाम लेते ही मेरे घर वालों के जो है ना वो मुंह बन जाते हैं, और मेरे को पता है आपके घर पे भी तुरई का नाम सुन के लोगों के मुंह बन जाते होंगे। इसलिए कुछ इस तरीके से मैंने तुरई की सब्जी बनाई कि घर वालों ने जो है वो बहुत ही मज़े से खाई। इसके लिए आप अगर इस तरीके से बना देंगे सब्जी, तो फिर आपके घर वाले भी जो है बिना मुंह बनाए उंगलियां चाट चाट के सब्जी को खाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इसे बनाने का। हमें ले लेना है प्याज, जो कि मैंने 4 लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, आधा किलो जितनी तुरई ली है, और लेनी है मैंने आधा कप जितनी चना दाल, जिसको मैंने 5 से 6 घंटे तक अच्छे से धोकर भिगा दिया था। फिर उसके बाद जो है हमें इन सारी सब्जियों को चॉप कर लेना है। तो हमें यहाँ पे जो है वो प्याज को चॉप कर लेना है, आप इसको जो है वो रफली चॉप कर सकते हैं। टमाटर को चॉप कर लें उसका छिलका उतार के, उसके बाद हरी मिर्ची ले ली थी उसका आप जो है वो बीच में से कट करके काट सकते हैं। तुरई को अच्छे से धो के इसको काट दें, स्क्वेयर्स में काट सकते हैं आप इसको, जैसे मैंने यहाँ पे मीडियम पीसेस में काटा है। उसके बाद आप इसे कुकर ले लें, इसमें डाल दें आप तेल, जो कि मैंने 4 से 5 बड़ी चम्मच लिया है। उसके बाद आपको इसको जो है इसमें प्याज डाल देना है, उसे सॉटे करना है। हल्का सा जो है वो इसका कलर जो है ना वो हल्का हल्का सा चेंज हो जाए, यानी कि थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाए, यानी कि हल्का सा जो है आप देख सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखाया है, ऐसा हल्का सा पिंकिश ब्राउन हो जाए, तब तक इसको पकाना है। उसके बाद डाल देना है इसके अंदर टमाटर, और डाल देनी है एक हरी मिर्च जिसको हमने जो है वो बीच में से स्लिट कर दिया था। इसको भी आप पकाएं जब तक टमाटर जो है वो कुक हो जाए, यानी कि सॉफ्ट हो जाए और मुशी हो जाए। उसके बाद आप डाल दें इसके अंदर नमक, जो कि हमें यहाँ पे स्वाद के अनुसार डाल देना है। उसके बाद जो है आप डाल दें इसके अंदर 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, यानी कि टर्मरिक पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, इससे हमारी सब्ज़ी का कलर जो है वो बहुत ही निखर जाएगा। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दें, और फिर उसके बाद जो है हम डाल देंगे इसके अंदर हमारा मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है तुरई, जिसको हमने अच्छे से छिलका उतार के काट दिया था। आप जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जितनी तुरई जो है वो काटी है उसका आधा पोर्शन हम लोग को जो है वो सिर्फ डालना है, और उसके बाद हमें ना इसके अंदर चना दाल डालनी है, जिसको हमने 5 से 6 घंटे तक सोक करके रख दिया था। तो वो चना दाल जो है वो आपको पूरी की पूरी आधा कप डाल देनी है। फिर उसके बाद हमारा जो बाकी का बचा हुआ आधा पोर्शन है तुरई का, उसको हम डाल देंगे दाल के ऊपर, और जो है हम अब जो है इसको अच्छे से पकाएंगे। तो ये हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम जो है दाल को सीधा टमाटर के साथ नहीं मिक्स करना चाहते हैं। अच्छा, अभी हम इसको विसल लगाने के पहले जो है इसमें 3 बड़े चम्मच जितना पानी डाल देंगे, जिस चम्मच से हम बना रहे हैं ना उतना हमें 3 पूरा पूरा चम्मच भर के पानी डाल देना है। तो हम इसके लिए जो है वो दाल को नहीं ऐसा कर रहे हैं क्योंकि दाल जो है वो खटास पे पकती नहीं है, इसलिए हमने पहले तुरई डाली, फिर दाल डाली और फिर तुरई डाली, ताकि हमारी सब्जी अच्छे से पक जाए, जिसको हम 5 से 6 विसल्स तक स्लो फ्लेम पे ऊपर पकने देंगे। एक बार उसकी सीटी खुल जाए हम इसका लिड जो है वो ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं क्या शानदार इंस्टेंट वाली जो है वो तुरई और चना दाल की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो आपने देखा कितना आराम से बन गई, बहुत ही ज़्यादा स्वाद है इस सब्ज़ी का। आपके बच्चे बड़े सब आपके घर पे जो है वो मज़े से खाएंगे। फिर आप इसको गार्निश कर दें कोरिएंडर लीव्स यानी कि धनिया पत्ती के साथ, और इसको गर्मा गर्म फुल्की के साथ या फिर जो भी आप जिसकी चीज़ के साथ खाना चाहते हैं, चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ सर्व करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए एंजॉय करेंगे बहुत ही टेस्टी सब्जी को।